तो सोचा कि मंथली जो है चेक करता हूँ कि मेरी गाड़ी एक महीने में कितना चली है। भाई साहब देखा तो 12,000 कुछ किलोमीटर एक महीने में चली है। मैं महीने के 1,00,000 रुपए नहीं कमाता, मैं महीने का 80,000 नहीं कमाता, मैं महीने का 70। तो उधर से वो लेके आ रहे, फिर इसमें फेंक देंगे जो भी 10-20 है। वो करने के बाद इधर पूरा जो है खेती धान। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु, हम आए थे समस्तीपुर मंडी में, तो पिछले वाली वीडियो जो है यहीं पे एंड किए थे, लंबा हो जाता। अब आने और जाने दोनों का वीडियो बनाएंगे, पहले की तरह सब रेगुलर करना है इसलिए। तो जाने का भी वीडियो बनाएंगे, मतलब आने का तो बना ही लिए, तो जाने का भी बनाएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। समस्तीपुर मंडी से अपन निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु, ये निकल रहे हैं हम मंडी से बाहर, और सुबह का टाइम तो मैंने बता ही दिया, 11:30 बज रहा है। ये वाला जो गेट आपको दिख रहा है ना, ये नया बन रहा है, पीछे तक देखिए। ये जब बन जाएगा ना, बहुत मज़ा देगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बड़ा सकरा रास्ता है। ये देखिए, अब इधर जब घूमेंगे ना, मतलब दाहिने जब घूमेंगे तो वो दरभंगा जाएगा, लेफ्ट मारेंगे तो वही अपन दल सिंह सराय समस्तीपुर होते अपन बनारस के साइड, ताजपुर महुआ जहाँ जाना है निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैप में ट्रैफिक दिखा रहा है, तो ट्रैफिक कितना टाइम रहेगा, क्योंकि निकलते टाइम ही मैंने शायद सोचा था, मैंने सोचा था कि शायद ट्रैफिक मिल जाएगा, पर मैप में चेक किया तो मिल गया। ये है मेन गेट, बन रहा है बहुत बड़ा। और भाई, ये मंडी, अगर ये गेट बनने के बाद मंडी का कायाकल्प होता है, बनती है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से अब आगे। तो गुरु, मंडी से आगे बढ़ने के बाद ये हम पहुंच जाते हैं समस्तीपुर मार्केट में, जो एक नदी है, उस नदी के इस पार ये सब, ये मथुरापुर, एक्चुअली में इस एरिया का नाम मथुरापुर है। इसके बाद जो है आगे झीली चौक, मैं फ़िलहाल झीली चौक में हूँ आई थिंक, तो यही है भाई। और यहाँ पे ट्रैफिक होना मतलब कि होना ही होना है, कंपलसरी है कि ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। तो अभी ट्रैफिक लग गया, यहाँ से मुझे निकलने में 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि परसों जो है जब मैं ताजपुर आया था तो यहाँ पे इस कदर ट्रैफिक थी कि मैं चला गया हाजीपुर और सोमारू का। जब मैं हाजीपुर पहुँच रहा था तब सोमारू के यहाँ से जाके जाम ट्रैफिक में से निकले हैं। तो खैर देखते हैं, चलिए मिलते हैं आगे अब आप सभी से। तो गुरु, मैं वहाँ से चलते चलते वो पुल के पास आ गया, बूढ़ी गंडक जिस नदी का नाम है वहाँ पर। और भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है भाई, क्योंकि अभी मैं वहाँ से यहाँ आ गया, मेरी गाड़ी 100 मीटर पीछे होगी आई थिंक, 100 से 150 मीटर। पर इन 150 मीटर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा, मैं पैदल पैदल आया हूँ, चारों तरफ से गाड़ियाँ जाम में लगी हुई है इधर से पूरा। तो गुरु, ट्रैफिक में से निकल के जो है अभी आ गए हैं अपन महालक्ष्मी होटल, जो कि यहाँ पर है ताजपुर में। बहुत दिन बाद यहाँ रुके हैं, भूख लगी थी, अब बज गया 1:30 बजे निकले थे, 1 से ऊपर ही हो रहा है, 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बज गए। अभी अपन खाना मंगाए हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु, ये आ गया है अपना खाना, मस्त दाल, मैं नॉर्मल खाना लिया हूँ, दाल चावल बस, और पापड़ है साथ में, सब्जी है ऊपर कुछ है पता नहीं, तो खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु, खाना खा लिए, ये है वो होटल, बहुत पुराने, अगले साल वाले वीडियोस में आप सब ने देखा होगा, तभी आते थे जब ताजपुर आते थे तो खाते थे, नहीं समस्तीपुर से उधर से निकल जाते थे, पर आज वापस आए थे तो खा लिए, क्योंकि लेट हो गया, अब कहीं रुकना है नहीं शायद, अब कहाँ रुकेंगे पता नहीं, तो जो भी है यार। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से अब आगे। तो गुरु, पहुंच चुके हैं हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे, यहां से लेफ़्ट लेंगे तो आप चले जाएंगे मुजफ्फरपुर, और राइट लेके हम जा रहे हैं हाजीपुर। ये देखिए, घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां घूमना है कहां नहीं, बहुत बड़ा चूतिया ये मत जा यार जबरी, क्या बोले यार इन लोग को, साले हॉर्न दे रहे हैं फिर भी ज़बरदस्ती घुसे जा रहा है भाई साहब, क्या बोला जाए इन लोग को अब। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से अब आगे। तो गुरु, पहुँच गया दानापुर स्टेशन, ये है दानापुर स्टेशन सामने, ये लेफ्ट साइड में कुछ बन रहा है अभी, ये जो हमारे सामने दिख रहा है वो दानापुर स्टेशन है। तो छोटू भैया गए हैं सो, मतलब कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे तो थक गए और बोल रहे थे थोड़ा आराम कर लो, तो मैं बोला आराम कर लीजिए, तो मैं चला रहा हूँ अभी, सेफ ड्राइव। अब बहुत दिन बाद गाड़ी, मेरे से लोग बहुत थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाते हैं यार, चलवाते हैं, मतलब मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, पर
ठीक है, क्योंकि आदत छूट गई है मेरी। मैं अभी 50-60 किलोमीटर चला लेता हूँ, पीठ वीठ दर्द देने लगता है, क्योंकि बैठे बैठे इतना आराम कर लिया हूँ ना। मैं बैठ के जाता हूँ, बैठ के आता हूँ, और बहुत मतलब अमूमन बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि ये लोग देते ही नहीं, अपना चलाते रहते हैं। और ट्रैफिक भाई, हर जगह थोड़ा 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 ट्रैफिक लग रहा है। यहाँ पर भी ट्रैफिक लग गया है, स्टेशन पर भी कोई गाड़ी आई है, शायद इसकी वजह से ट्रैफिक लगा है। हाँ, चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गुरु, अभी हम पहुँच चुके हैं मलियाबाग के आसपास, और जगदीशपुर और मलियाबाग के बीच में है। रात के अभी रात नहीं बोलेंगे यार, शाम के 6:30 ही बजे हैं, फिर भी लग रहा है रात हो गया, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया, दिन छोटा और रात बड़ी हो गई है। तो इसकी वजह से जो है, देख सकते हैं ग्लास मेरा जो है गंदा है थोड़ा, क्योंकि धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है। अब टाइम आ गया है ठंडी का, और पड़ा वो है वाइपर चला, वाइपर मेरा थोड़ा नहीं मतलब वाइपर ख़राब है मेरा। अब वाइपर बनाएंगे तो फिर देखेंगे, वाइपर बनवाना है। छोटू भैया चला लेते हैं, बाकी यहाँ से चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव, हो गई सुबह। कल जो है आया मैं रात को 11:30 बजे, छोटू भैया चले गए घर, और मैं जो है अभी आया घर, मतलब रात को ही 11 बजे आया, 11:15 के आसपास। सुबह सुबह ठंडी से थोड़ी खांसी आ रही है भाई। तो अभी अपन चल रहे हैं ना, थोड़ा सा काम है। काम भी क्या है वो बता देता हूँ। जो हमारी गाड़ी का पेंट करते हैं गोविंद भैया, उनका ना धान का बोझा उनके घर पे छोड़ना है। अब आप लोगों के यहाँ बोझा को क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है, पर हमारे यहाँ तो बोझा ही बोलते हैं। तो उसको जो है उनके घर पे छोड़ना है, 10-12 ठो है, तो वही करने चल रहे हैं। अभी सुबह सुबह 8 बज रहे हैं, 8 बजे फ़ोन करके जगा दिए हैं, तो नहीं तो मैं 9, 9:30, 10 बजे तक सोया ही रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु, ये लगा दी चाबी हमने, चालू कर दिया, 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक छोड़ देते हैं। 2,59,692 किलोमीटर गाड़ी चल गई हमारी, हमने सेल। ओ, ठंडी से रेस बना लिया, और ये लगाया हमने 1 नंबर, ये गाड़ी बढ़ाई आगे। और यहाँ से जो है आगे चलेंगे, मतलब बहुत दूर तो वो नहीं है, अभी भी मुझे नींद लग रही है भाई साहब। ठीक है, चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो गुरु, ये है मेरा गांव, और जो है ना ये एकदम पक्की सड़क हुआ करती थी। जब ये पाइप डालने का काम चालू हुआ इसमें, जो कि अभी वाटर पंप क्या क्या सब बिठा रहे हैं, स्वच्छ पानी दे रहे हैं। जब यहाँ पे पानी नहीं था तो कोई पानी देने वाला नहीं था। जब इस गांव में लगभग मेरे हिसाब से 50 या 55 के आसपास हैंड पंप होंगे, जब इतनी सारी बोरिंग हो गई, इतना सारा बोर लोगों ने करा लिया, 50-55 का मतलब जोड़ लीजिए, 50 भी एवरेज जोड़ेंगे तो 5-5 25, मतलब कितना 50-10, जो भी यार अभी जोड़ना पड़ेगा, सुबह सुबह दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं। तो यही है भाई जो है, अब यहाँ से चलिए फिर मिलते हैं। तो गुरु, पहुँच गए खेत पे, ये ऊपर निखिल बैठा है, इसको पहले वाले वीडियो में देखे होंगे गैरेज पे। अबे तो ये धान है भाई, लोड कर रहा है अभी, ठीक है, लेके भी आ तो उधर से वो लेके आ रहे हैं, फिर इसमें फेंक देंगे। जब ये 10-20 ठो है वो करने के बाद, इधर पूरा जो है खेती धान पूरा कट गया इधर। तो गुरु जो है हम समस्तीपुर से आए थे, सुबह बोझा वोझा सब ढो वो के मस्त जो है घर आ गए हैं, और ऐसे ही घूम रहा था। जाना है गाड़ी पे, अभी समय है तो चलेंगे। अभी नहाना धोना भी है, नहाया धोया नहीं, तो नहा धो के फिर गाड़ी पे चलेंगे अपन। तो मैं ऐसे ही ना मतलब लेटे लेटे GPS चेक कर रहा था, तो मैं सोचा कि मंथली देख लेता हूँ, छेड़ते रहता हूँ फ़ोन, तो सोचा कि मंथली जो है चेक करता हूँ कि मेरी गाड़ी एक महीने में कितना चली है। भाई साहब देखा तो 12,000 कुछ किलोमीटर एक महीने में चली है, मतलब 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक, मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की जो मेरी गाड़ी रनिंग की है, वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए कितना मतलब गाड़ी चली है, कितने स्टॉपेज है, क्या क्या है, सब आपको दिख रहा होगा। ये एक महीने की है, तो एवरेज आप पकड़िए कि अगर मेरा काम चलता है तो मैं कितना कमा सकता हूँ, और नहीं भी कमा सकता हूँ
जो लोग मेरे को बोलते हैं इतना ये नहीं होता है वो नहीं होता है, मैं बहुत कम कमाता हूँ भाई, पर मैं सब बोलते हैं आप इतनी कमाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं नहीं करता कमाई। मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, मैं महीने के 1,00,000 रुपये नहीं कमाता, मैं महीने का 80,000 नहीं कमाता, मैं महीने का 70,000 ही कमाता हूँ, 60,000 ही कमाता हूँ, 50,000 ही कमाता हूँ, 30,000 ही कमाता हूँ, पर वो मैं मेरे मेहनत से कमाता हूँ। आप सब वीडियोज़ देखते हैं बस कमेंट कर देंगे ये हो गया भाई, उसमें मैं अगर ध्यान से वीडियो को देखा करिए मैं बोलता क्या हूँ, कितनी कमाई होती है पर डिपेंड आपके मेहनत के ऊपर करता है भाई, ये आप कितनी मेहनत करते हैं तब आप पैसे बना पाएंगे। और ये इतना बहती गंगा की तरह धंधा है कि इसमें जो है आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, और काम चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना काम चल जाता है उस हिसाब से लोग कमा लेते हैं, ठीक है। तो भाई बस यही बताना था आपको, फिर चलिए अब मिलते हैं बाद में। तो गुरु जो है सुबह बोझा वोझा उनका दे के आ गए, देवे के आ गए, अपन नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ, अब जो है अपने को गोरखपुर निकलना है, मतलब आज लोडिंग पे जाना है, ठीक है। तो घर पे आया अपना मस्त, दिन भर नहाया धो, दिन भर नहीं नहाया था, अभी जस्ट नहाया धोया हूँ, और क्या बोलते हैं कि अपना जो है दिन भर मोबाइल वोबाइल चलाते रहता हूँ, और खाली बाली करके आया था। और भाड़ा जो लगा था मुझे समस्तीपुर से यहाँ का भाड़ा लगा था, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब यार चुनार से समस्तीपुर का जो भाड़ा लगा था वो लगा था मुझे तकरीबन 13,000 पहले वाला ही भाड़ा। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ रह रह के, कन्फ्यूज़ इसलिए हो गया ना कि हाँ घड़ी जो है घर में भूल गया था तो लेके आया, इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया था घड़ी को देखने के चक्कर में, ठीक है। तो भाड़ा वही लगा था जो 13,000 लगता है, दूरी जो है 380 किलोमीटर वही है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।